हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप भी मच्छरों के काटने से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया लिक्विड लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, मच्छर काटना तो दूर आपके घर के पास भी नहीं आएगा, तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इस लिक्विड को कैसे बनाकर तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे विक्स वेपर अप ले ली है। फ्रेंड्स, विक्स को बनाने में लौंग, कपूर और नीलगिरी का तेल पड़ा होता है, जिसकी गंध मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इसलिए ये जो विक्स है ये बहुत ही बढ़िया काम करेगी। अब देखिए, हमने उबला हुआ पानी ले लेना है और इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेना है और फिर अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मच्छर के काटने से हमें 100 तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इनसे बचने के लिए हम बाहर से महंगे महंगे मॉस्किटो रिपेलर कोयल और अगरबत्ती लेके आते हैं, लेकिन इनमें केमिकल मिला हुआ होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब क्या करना है कि एक चम्मच हमने बेकिंग सोडे का ऐड कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा डालते ही कितना रिएक्ट किया है। अब क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो लिक्विड बनाकर हम तैयार कर रहे हैं ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, क्योंकि इसमें हमने सभी नेचुरल चीजों का प्रयोग किया है। फ्रेंड्स, इससे हमारी सेहत पे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। अब देखिए, हमने इसमें ऐड कर लेना है विनेगर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, आप कहाँ कहाँ और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताया करें, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ और देश के किस कोने में देखी जाती है। एक गर्म पानी का चम्मच ऐड कर लेना है और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। गर्म पानी डालने से क्या होगा कि अगर विक्स थोड़ी बहुत बची होगी तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अभी देखिए, मैंने रिफिल का ढक्कन ले लिया है और उसमें एक छेद कर लिया है। अब ये जो सॉल्यूशन हमने बनाकर तैयार किया है, हमने क्या करना है कि खाली रिफिल में इसको भर लेना है। देखिए, जिस तरीके से मैं इसको बीच बीच में हिला रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से बीच बीच में हिलाते हुए इसको आपने रिफिल में भर लेना है। फ्रेंड्स, जब मॉस्किटो रिपेलर खाली हो जाए तो आपने उसे फेंकना नहीं है, आपने इस तरीके से उसे यूज कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसे हिलाते हिलाते रिफिल में डाल लिया है। इसी तरीके से आपने भी रिफिल को भर लेना है। फ्रेंड्स, रिफिल को आपने लिक्विड से पूरा नहीं भर देना है, नहीं तो जब आप ढक्कन बंद करेंगे तो होगा कि ये लिक्विड जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो थोड़ी सी रिफिल में जगह बचा लेनी है ताकि ढक्कन जो है वो अच्छे से चढ़ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने रिफिल को भरकर तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, ये लिक्विड 100% काम करता है, आप इसे मेरे कहने पर एक बार जरूर ट्राई करके देखना। Thanks for watching.